व फाल बनाया जा सकता है। तमाम अहम मौजू है जिस पर कई अपने इजहार शाम फरमाएंगे और इस मुजाकरे की सदारत मुहतरम अमीर जमात फरमा रहे हैं। इस मुजाकरे का पहला मुकर्रर मोहतरम जनाब नसीम सिद्दीकी साहब कईम जमात इस्लामी जिला बस्ती। हमारे साथियों ने कवर की हैं। पहली बात तो यह है कि तंजीम मतलूब नहीं है, जरिया है दावत व तरबियत और तहरीक व इंकलाब का। अगर ये मतलूब हो जाएगा तो दायरे के जो मकसद है वो हम हासिल नहीं कर सकेंगे। तो जिस चीज़ का जो मुकाम है वो उसको मिलना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी कदम है, इसके बगैर बाकी चीज़ें नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि हमारी जो तहरीक है इसमें तंजीम हो या दावत हो या तरबियत हो, ये जुदा जुदा चीज़ें नहीं हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी तो दो चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। ये एक पैकेज की सूरत में चीज़ें आगे बढ़ती हैं और इसमें बिल्कुल साथ साथ सबको तवाज़ुन के साथ चलाना पड़ता है। मौसर तंजीम और उसी वक्त मौसर होगी जब वो दावत का काम कर रही हो, इबलाग का काम कर रही हो, राबतों का काम कर रही हो और अपने गिर्द एक बहुत बड़ा हाला बनाती हो। अपनी कोर टीम जरूर उसके पास होती हो, लेकिन उसके साथ उसके गिर्द जिस तरह चांद का एक हाला होता है जो दूर तक नजर आता है, इस तरह तंजीम के इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे रब्ता होना चाहिए, जिनकी सलाहियतों को इस्तेमाल करना चाहिए। कोई बाकायदा तंजीम में आकर काम कर सकता हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, और अगर नहीं कर सकता हो तो उससे वो जरूर काम लिया जाए कि जो इंकलाब के लिए और दावत के लिए जरूरी है। तीसरी बात यह है कि तंजीम में समा और दाद का निजाम भी होना चाहिए और उसकी हम मिसाल अक्सर देते भी हैं अपने प्रोग्रामों में, तरबियत गाहों में, लेकिन उसके साथ साथ तनकीद और एहतसाब भी बहुत जरूरी है। सिर्फ समावतात पर जोर देना और अपने ज़ेली नज़म से ये तवक्को रखना कि वो आपकी हर बात मानेगा, लेकिन उसकी कोई भी बात तस्लीम ना करना या किसी मजबूत तनकीद को भी खाते में डालना, ये भी ठीक नहीं है। तो दोनों में एक तवाज़ुन होना चाहिए। इसके हसीन इम्तिजाज का नाम ही तंजीम है। उसी के नतीजे में हम ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। तनकीद भी बराए तनकीद ना हो, एहतसाब भी बराए एहतसाब ना हो, इस्लाह का पहलू इसमें गालिब हो और उसके साथ साथ समावतात हो, और ये दोनों चीज़ें उस वक्त हो सकती हैं जब हमारे ताल्लुकात की नोयत खैरख्वाही और लिल्लाहियत के ऊपर होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमें जवाब देना है जिन जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, और जो जो जितना जिम्मेदार है उसकी उतनी ही ज़्यादा जवाबदेही भी है। इसलिए हम सब चूंकि यहाँ जिम्मेदारान का इज्तिमा है तो लिल्लाहियत को सामने रखेंगे तो हमारी तंजीम में सारे काम हो सकेंगे। और आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अफराद का मौसर इस्तेमाल ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और इसमें ज़ाती पसंद और नापसंद को बिल्कुल एक तरफ रख देना। बाद लोगों के लिए हमारे मैार बहुत सख्त होते हैं कि उसको ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, और बाद लोगों के लिए हमारे मैार उसके साथ खून माफ होते हैं। तो इस तरह के रवैये तंजीम में खराबियाँ पैदा करते हैं और तंजीम की मजमूरी कारकर्दगी को भी मुतासर करते हैं। इसलिए जो भी टीम बनाई जाए खलूस की बुनियाद पर, लिलाहियत की बुनियाद पर, जवाबदेही के एहसास के साथ और उस फर्द की सलाहियत के अतबार के साथ। बाज़ात शैतान है ये वसवसे भी डालना शुरू कर देता है कि ज़्यादा बासलाहियत आदमी आएगा तो ज़्यादा मसला तो नहीं पैदा हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को भी पेश नज़र रखते हुए हम इंशाअल्लाह अपनी तंजीम को ज़्यादा मौसर तरीके से चला सकते हैं। जज़ाकअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शरकाए मुज़ाकरा ने तकरीब बात पूरी की। अब मैं आखिर में सदर मुज़ाकरा अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम काज़िम हुसैन अहमद से उसी बारे में दरख्वास्त करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वल्आक़िबतु लिल्मुत्तकीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमाईन। रज़ाना अजीज, ये मजलिस इसलिए है कि हम एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे को जज्बा दें और हम मिलजुल कर अपने काम को और ज़्यादा बेहतर बनाएं।
जमात इस्लामी के बारे में हमारे मुखालिफीन भी ये समझते हैं कि हम इस मुल्क की एक मुनज़्ज़म जमात हैं। ये मुज़ाकरा जो हमने रखा है ये जायज़ा लेने के लिए रखा है कि हम हकीकत में कितने मुनज़्ज़म हैं और हमें और क्या करना चाहिए कि जो हमारी शोहरत है तंजीम की उसके ऊपर हम पूरे उतरें। तंजीम के हमारी जो शोहरत बनी है ये मुनज़्ज़म जमात है, उसमें बुनियादी जो अंसर है वो ये है कि हम एक मकसद के गिर्द इकट्ठे हुए हैं। वो मकसद हमें इकट्ठा करता है और उसके वजह से हमें हम कोई ड्रिल नहीं कराई लोगों को, एक तरह की यूनिफॉर्म नहीं पहनना है और जो लोग डिसिप्लिन कायम करने के लिए एक मुख्तलिफ किस्म के रवैये और मुख्तलिफ किस्म के काम लोगों को देते हैं, दुनियावी डिसिप्लिन काम नहीं, इस तरह फौज करती है, वो तरीके हमने नहीं अपनाए बल्कि हमने एक मकसद के गर्द लोगों को इकट्ठा किया है कि वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और कुरान और सुन्नत का तरीका है। यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मक्का मुकर्रमा की जिंदगी में जो काम किया और जो अल्लाह ने कुरान नाजिल किया मक्का मुकर्रमा की जिंदगी में, बुनियादी तौर पर तौहीद का अकीदा और आखिरत की जवाबदेही का एहसास, अल्लाह के साथ ताल्लुक, तौहीद का अकीदा, क़यामत और आखिरत की जवाबदेही का एहसास, वो मक्का मुकर्रमा की जिंदगी में पूरे 13 साल उसको रासख करने की कोशिश की गई। तो जो मक्की सूरतें और नबवी सूरतों में यह फौरी तौर पर आदमी जान लेता है कि मक्की है या मदनी है, तो मक्की सूरतों में पूरा जोर अल्लाह ताला की वहदानियत और क़यामत के मनाज़िर और आखिरत का एहसास इसके ऊपर, ये फिर मदनी सूरत में भी मिली। यानी इस बुनियादी ख्याल को कभी भी किसी जगह भी कुरान करीम में उछल नहीं होने दिया गया। आप कुरान करीम को कहीं से भी पढ़ लें, कहीं से भी उसको खोलें, तौहीद, आखिरत, रिसालत, जवाबदेही का एहसास, आखिरत की जवाबदेही का एहसास, हर जगह कुरान करीम के हर सफ़े पर आपको ये बात मिलेगी। ये तस्कीन है, याद दहानी है, इस तरह जिक्र किया गया कि याद दहानी, तस्कीन और तकरार के साथ एक बात को जहन नशीन करना और उसके ऊपर बार बार लोगों को मुतवज्जे करना ताकि वो बुनियादी चीजें नजर से उछल न होने पाए। और ये हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, जमात इस्लामी के जितने भी कारकुन हैं उनको ये एतमाद और यकीन देना और इससे उसको इस यकीन और इस एतमाद से उनको सरशार करना कि जो हम कर रहे हैं ये अल्लाह की रजा का काम है, ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और जिस तरीक़ेकार के मुताबिक कर रहे हैं ये मनहजुर रसूल है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर अल्लाह की रजा की खातिर हम ये सब कुछ कर रहे हैं कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने कोई अपनी तरफ से इख्तरा नहीं किया बल्कि कुरान और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में हमें और हमारे सामने वो रास्ता उन्होंने मुनव्वर और रोशन कर दिया है जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। इसके ऊपर हर कारकुन को इसके ऊपर यकीन के साथ उसको इस एतमाद से सरचार करना, ये हमारा बुनियादी काम है। इसी के नतीजे में मोटिवेशन मिलती है, हमारा जो दाइया है वो इसी के नतीजे में ज्यादा और मजबूत होगा और इसको कुरान करीम में बिल्कुल वाज़ह तौर पर ये बताया गया है कि ये जो काम है अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अल्लाह के रास्ते में जिहाद की मोहब्बत
ये आपको तमाम मोहब्बतों से इसको बाजातर रखना चाहिए। ये मरकज मोहब्बत है, इस मरकज मोहब्बत के गिर्द इकट्ठे हो जाएं। अगर इसके साथ में दूसरी मोहब्बत इनसे पर गालिब आ गई, फिर हमारा शिराजा मुंतशर हो जाएगा। तो बिल्कुल वाज़ह तौर पर अल्लाह ने मरकज मोहब्बत की निशानदेही की है। कल इनका ना आबा उनका सुन लें रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मरकज मोहब्बत की निशानदेही करते फरमाया, कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्ब इलैकुम मिन अल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين। यानी उन तमाम चीजों का जिक्र करने के बाद कि अल्लाह ने फरमाया जिनसे लोगों को मोहब्बत है, कि अगर ये मोहब्बतें अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब आ जाएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर गालिब आ जाएं, अल्लाह के रास्ते में जिहाद की मोहब्बत पर गालिब आ जाएं, तो फिर अपने बारे में बुरे नतीजे का इंतजार करो। और अल्लाह नाफरमानों को हिदायत नहीं देता, उनसे मोहब्बत नहीं करता, उनको हिदायत देता है, उनको रहनुमाई नहीं करता। ये फिस्क है कि अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के और अल्लाह के रास्ते में जिहाद की मोहब्बत पर अपनी माँ बाप, अपनी बिरादरी, अपनी तिजारतों, अपने माल और अपने रहायशगाहों को और अपनी बीवियों को और अपने अजवाज को और अपने भाइयों को इन पर फौकियत दे दी जाए। यानी इन मोहब्बतों से मना नहीं किया गया, बल्कि वालिदैन की मोहब्बत के बारे में तो अल्लाह ने खुद फरमाया कि अनुष्कुर ली वाले वालिदैन, अपने साथ वालिदैन का भी जिक्र किया। तो ये कहा कि उनकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, अल्लाह के रास्ते में जिहाद की मोहब्बत पर गालिब आ जाएगी, पर शिराजा मुंतशर हो जाएगा। इसी वजह से कौमियतों की तरफ बुलाना, बरादरियों की तरफ बुलाना, वतन की तरफ बुलाना, जुबान और लिसानी बुनियादों पर अलहदगी करना और उसके लिए जमीयतें बनाना और इस तमाम काम को अल्लाह की मोहब्बत के रास्ते में रुकावट बनने फिस्क है, नाफरमानी। इसे मना नहीं किया गया, न वालिदैन की मोहब्बत से मना किया गया, न तिजारतों से मना किया गया है, न अपनी बिरादरी के साथ मोहब्बत से मना किया गया है, न अपने वतन से मोहब्बत से मना किया गया है। कोई नसरुल्लाह खान अजीज का एक बहुत मशहूर उनकी नात और नाजम है कि तू है तमाम से अजीज, तो एक एक चीज का जिक्र करते हुए कि मेरे दिल रुबा वतन फारिस और शाम से अजीज, तो तमाम चीजों से दिल रुबा वतन की वो को ज्यादा अजीज करा दिया। फिर आखिर में कह के लेकिन अहमद मुस्तफा खत्म रसम शही खुदा, और सारी चीजों का जिक्र करते ही कहा कि मुझके ये सब अजीज हैं, तू है तमाम से अजीज। तो ये जो मोहब्बत है, मोहब्बत का मरकज मोहब्बत, तो इसी की निशानदेही। यानी एक अल्लामा इकबाल ने कहा है एक शेर में कि शबीब कुरिस्तम पेशे खुदा जार मुसलमान चरा खुआरन गुजारन मदा आमद बिनी दानी की कौम दिले दारन तो महबूबे न दारन। अगर आपने जारो कतार अपने रब के सामने रोया कि मेरे परवरदिगार मुसलमान क्यों खुआर उजार हैं, तो मदा आई कि ये इस कौम के सीने में दिल है लेकिन उसमें महबूब नहीं है। यानी जब तक एक मरकज मोहब्बत न हो तो महबूब की निशानदेही ये करते हैं कि दर्दिल मुस्लिम मकाम मुस्तफास आबरे माज नाम मुस्तफास दर शबिस्तानी इरा खिलवत वजीम कौम आईन हुकूमत आफरी असकलीद दीन दर दुनिया कुशाद हम जो हो बतने उम्मीदी थी नजाद। कि मुसलमान के दिल में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है, हमारी आबरू उनके नाम नामी से है, उन्होंने हेरा की तारीखियों में खिलवत इख्तियार की, वहां से उतर कर कौम बनाई, आईन बनाया, हुकूमत बनाई, और फिर फरमाया कि दीन की चाबी से दुनिया का दरवाजा खोला। कि दीन अलग और दुनिया अलग नहीं है,
दीन दुनिया की जिंदगी गुजारने का सलीका है, ये बुनियादी तौर पर मकसद का शऊर और अल्लाह की रजा, अल्लाह के साथ मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत और अल्लाह के रास्ते में जिहाद की मोहब्बत और इस मोहब्बत को तमाम मोहब्बतों पर गालिब करना, इसका शऊर देना इसकी जरूरत है। इसके नतीजे में लोग खुद ब खुद जुड़ जाते हैं और उसी के का जिक्र करते हुए कुरान ने फरमाया, लो अनफक तमा फिल अर्द जमीअ मा अल्लफ तबैन कुलूबिहिम वलकिन अल्लाह अल्लफ बैनहुम। यह हबीब जमीन की सारी दौलत खर्च कर देते, इनके दिलों को आपस में नहीं जोड़ सकते थे, लेकिन अल्लाह ने इनके दिलों को आपस में जोड़ दिया। ये मोहब्बत, ये तंजीम, ये आपस में जुड़ जाना, ये बुनियाद महसूस बन जाना, इसके लिए अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, अल्लाह के रास्ते में जिहाद से मोहब्बत, उसके नतीजे में आपस की मोहब्बत पैदा होती है, आपस में मोहब्बत। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम मोमिन नहीं हो जब तक कि तुम आपस में मोहब्बत न करो, कि जन्नत में भी दाखिल नहीं होगे, तुम्हारा ईमान भी मंजूर नहीं होगा जब तक मोहब्बत नहीं होगी। और मोहब्बत को बढ़ाने के फिर उन्होंने तरीके भी बताए हैं कि सलाम को आम कर दें, इबादत कर दें, जनाजे में जाएं, मुसलमान के हुकूक पूरे करें, रिबत न करें, तजस्सुस न करें, टोह में न लगे रहें, सतरपोशी करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसने अपने भाई के सतर को छुपाया, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके सतर को छुपाएगा। अफ़ दरगुज़र से काम लें, मोहब्बत के तकाजे पूरे करें। इसलिए मोहब्बत, मैं यहां पर ये अर्ज करूंगा कि हम तकरीर तो करते हैं मुहासिब और तनकीद और मुहासिबे के आदाब तो बताते हैं, पूरी तकरीर उसमें मुसलमान मुसलमान का हीना है, न वो चुगली खाता है, न दूसरों को बताता है, लेकिन ये हमारे अंदर एक खराबी पैदा हो गई है एजेंडे में रखने की वजह से, एहतसाब और मुहासिबे को तनकीद मुहासिबा, कि लोग उसके लिए तैयारी करते हैं और फिर जो बात उसकी वहम गुमान में भी नहीं होती, बड़े मजलिस में और इज्तिमा में आकर फिर उसको बयान करते हैं। और हर हमारी शूरा और हमारा इज्तिमाई अरकान इसकी नजर हो जाता है कि उसका आधा वक्त इसमें गुजर जाता है, न उसमें मुस्तकबिल की प्लानिंग होती है, न उसमें माजी का जायजा होता है, और उसके नतीजे में कोई मोहब्बत पैदा नहीं होती। जो मुहासिबे का और जो तरकीब का अंदाज है उसके नतीजे में कोई बेहतरी नहीं है। हमारा तजुर्बा है, मैं 1953 से कारकुन की हैसियत से सातवीं आठवीं जमात से वाबस्ता, उस वक्त से ये जो कल्चर बन गया है तनकीद और मुहासबा और तजस्सुस और उसके नतीजे में तैयारी करना, इसने हमें कोई फायदा नहीं पहुंचाया, इससे मोहब्बत नहीं बढ़ती, इससे सीमेंट और एक दूसरे के साथ ताल्लुक जो चीज, और कोई इसकी नजीर नहीं है कि इंस्टीट्यूशन कभी रहा है। मेरे सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने इसकी मजलिस में कदर की है, क्या एक दूसरे का मुहासबा करते हैं, मुहासबा करें बिल्कुल। कहते हैं बुद्धू ने हजरत उमर रिज़वानुल्लाह से पूछा, आज भी पूछते हैं लोग, आज भी रास्ते में पूछते हैं, इस्तेमाल में पूछते हैं, लेकिन इसको कहां इसका जिक्र है कि इसको इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, इसको इदारा बनाया जाए, इसके एजेंडे पर रखा जाए, और उसके नतीजे में कल्चर डेवलप हो गया। उसके बाद हम हजार आप उसके आदाब बताएं, उसको सिखाएं, उसको तकरीर करें, लेकिन ये कल्चर बन गया है, ये लोगों का मिजाज बन गया है कि वो देखते हैं कहां मैं तलकीन कर सकता हूं, कहां मैं कोई एहतसाब कर सकता हूं, और इसको समझने का ये बड़ी खैरखाई का काम है। इसके नतीजे में कोई खैर बरामद नहीं होगा, इसलिए मेरी गुजारिश है कि उससे कोई मना नहीं किया, एहतसाब से भी तनकीद से भी कोई मना नहीं किया गया, लेकिन बाकायदे एजेंडे पर आप रखेंगे और लोग उसके लिए तैयारी करेंगे, इससे तजस्सुस भी पैदा होगा, इससे खुददगीरी भी पैदा होगी, इससे मिजाज भी बनेगा, और इसके नतीजे में लोग एक दूसरे से फटेंगे और एक दूसरे से दूर होंगे, इसके नतीजे में कोई सिलेंडर कोई बुनियाद महसूस बनने की कैफियत पैदा नहीं होगी। जमात इस्लामी बहुत मजबूत तंजीम है, बहुत अच्छी तंजीम है, लेकिन आपको हमेशा इसका जायजा लेना चाहिए कि कौन सी चीजें कौन सी रिवायात ऐसी हैं कि जिनको आगे बढ़ाना चाहिए, कहां पे किसी तब्दीली की जरूरत है। इसी तरह से
अजीजान मोहतरम आपस में मोहब्बत और सम और ताअत बुनियादी चीज है जिसके बारे में सारी इमारत सम और ताअत पर खड़ी है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ला इस्लाम इल्ला बि जमाअत वला जमाअत इल्ला बि इमारत वला इमारत इल्ला बि ताअत। ताअत करेंगे तो इमारत भी उस कदर कीमत उसकी बरकरार रहेगी और इमारत रहेगी तो जमात का काम कर सकेगी, जमात रहेगी तो इस्लाम का काम कर सकेगी। इसलिए ताअत पर सारा जोर है और सारी डिसिप्लिन जो है जमात की इताअत और ताअत जाहिर है। कोई जमात के अंदर मुनकर का हुक्म नहीं दे सकता, किसी बुरे काम का हुक्म नहीं दे सकता। मशवरा होगा, मुशावरत होगी, उसमें फैसला होगा, उस फैसले के मुताबिक हिदायत दी जाएगी और उस हिदायत के मुताबिक इताअत करना, इसी के नतीजे में जमात की तंजीम मजबूत होगी। तो इसलिए फिर मनसूबाबंदी करना जिसकी पूरी तफसील यहाँ पे बयान की गई है, जायजा लेना और तकसीम कार करना और अपनी अच्छी टीम लोगों की मुंतखब करना, ये सारी चीजें जो हैं ये आपके इलम में हैं। बस सिर्फ इस बात की जरूरत है सम और ताअत और गैर मशरूत फिलमनशति वलमकर। आपको इतफाक है या नहीं है, लेकिन जमात की शूरा ने फैसला किया है, नज़्म जमात की तरफ से हिदायत आई है, बिल्कुल इताअत करना और उस इताअत के मुताबिक आपस में मोहब्बत पैदा करना, अपने अमीर के लिए दुआ करना और अमीर का फर्ज अपनी कारकुन के लिए दुआ करना और एक दूसरे के साथ मोहब्बत के अंदाज में आगे बढ़ने से ये काम और ज्यादा अच्छा होगा, मजबूत होगा। आखिर मैं यही कहूंगा कि इस कराची शहर के हर फर्द तक दावत पहुंचाना और उसको अपने साथ शरीक करने की कोशिश करना और उसको शिरकत का एहसास दिलाना, ये आपकी तंजीम की मजबूती के लिए भी जरूरी है और ये आपकी तंजीम की मजबूती का इम्तिहान है। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हमारे एक अमीर जिल्ला जुनूबी कराची के कजन और उनके बहनोई भी थे, वही उनके बहनोई भी थे, उनका इंतकाल हो गया है। आरफ सुल्तान साहब जी, राजा आरफ सुल्तान साहब, उनकी दिल दुआ मगफरत कर लो। अल्लाह मगफर लहू वरहमहु, अल्लाह ला तहरमना अजरहू वला तफ्तिनना बादहू, اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسله من الخطايا بماء الثلج والبرد، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين، ورحمتك يا ارحم الراحمين.